तो वो सुसमाचार का इंट्रोडक्शन देने के बाद वो बात करते हैं कि परमेश्वर का जो न्याय दंड है, परमेश्वर का क्रोध है, सभी अन्याय के काम कर्मों के खिलाफ प्रकट पहले से ही सबको हो चुका है। वो ऐसे कहते हैं कि सबको, सारे लोगों को परमेश्वर ने, भले यहूदी हो, पहले वो एक्चुअली फर्स्ट चैप्टर में वो अन्य जातियों की वो बात कर रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि इसमें वो मूसा के व्यवस्था की बात नहीं करते हैं, पर वो बोलते हैं कि जो अन्य जाति लोग हैं सबको परमेश्वर का ज्ञान परमेश्वर ने दिया हुआ है। हाँ, वो उनके मनों में है और उनको पहले से ही पता है, क्योंकि परमेश्वर ने उनको प्रकट किया है। वो जानते हैं कि एक हमसे बड़े एक परमेश्वर हैं, और वो जानते हैं उनके जो दैविक स्वभाव के बारे में परमेश्वर ने सबको प्रकटीकरण दिया हुआ है। ये वो पहले अध्याय के 19 और 20 वर्स में वो बोलते हैं कि सबको ज्ञान है। आगे जाके वो ये भी बोलते हैं कि दूसरे अध्याय के 14-15 में हम देखते हैं कि सबके मनों में एक कॉन्शंस है, एक विवेक मन है, और सबके मनों को पता है कि अगर हम कुछ गलत करते हैं तो उनको पता है कि ये गलत है और हमको ये नहीं करना चाहिए, और कुछ भला वो करते हैं तो उनको पता है कि ये करना एक भली चीज़ है। तो एक ज्ञान पहले से उनके मनों के अंदर है, पर इसीलिए गलत करते समय वो छुपाने की कोशिश करते हैं। हाँ, वो अंधेरे में करते हैं जो भी करते हैं। तो ये जानकारी उनको है, पर वो कहते हैं कि सच्चाई को उन्होंने दबा दिया, ये जानते हुए कि परमेश्वर है, भला क्या है बुरा क्या है, जानते हुए भी उन्होंने सच्चाई को दबा दिया, और उन्होंने परमेश्वर को नहीं माना, उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दिया, उन्होंने परमेश्वर को महिमा नहीं दिया। तो इससे क्या हो गया, उनका जो मन है वो कठोर हो गया, वो मन उनका अंधेरे से भर गया, और वो बहुत सारे अधर्म के काम करने लगे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को नहीं देखा, उनके मन अंधकार से भर गया और वो बहुत सारे गलत काम करने लग गया। और वो एंड में ऐसे कहते हैं कि ये जानते हुए भी कि उन पे न्याय दंड है, फिर भी वो करते हैं ये गलत काम, और जो करते हैं उनमें भी वो दूसरे लोग करते हैं तो भी वो आनंद मनाते हैं। फिर आगे हम बढ़ते हैं चैप्टर 2 में, पॉलुस जो ऐसे यहूदियों को वो कहते हैं, क्योंकि इस पार्ट को पढ़ करके यहूदी ऐसे कह सकते हैं कि हाँ, हमने देखो एकदम सच कहा कि व्यवस्था हमको इसीलिए दी गई है कि तुम पवित्र जीवन जियो, तुम ये सब अगर करोगे तो तुम पे परमेश्वर का न्याय दंड आएगा, इसलिए तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता। तो अब यहूदियों को प्रेरित पॉलुस कहते हैं कि तुम जो दूसरे लोगों को ऐसे न्याय करते हो, तुम पे भी परमेश्वर का न्याय दंड आ रहा है, क्योंकि तुम खुद भी वही चीज़ों को करते हो। वो ऐसे कहते हैं, हम देखते हैं कि जो दूसरे अध्याय के 18-20 में हम पढ़ते हैं कि उनको व्यवस्था दी गई थी, पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी व्यवस्था को नहीं रखा। तो वो कहते हैं कि तुम भी ये सब चीज़ें करते हो और तुम्हारा मन भी, वो ऐसे कहते हैं कि तुम्हारा मन भी कठोर हो गया। वो 5वें अध्याय में कहते हैं कि तुम्हारे मन की कठोरता के कारण अब तुम्हारे ऊपर भी परमेश्वर का क्रोध आ ही रहा है, भले ही तुम्हारे पास व्यवस्था थी। और वो आगे जाके 21-23 वर्स में कहते हैं कि तुम जो दूसरे लोगों को सिखाते हो, क्या तुम अपने आप को नहीं सिखाते? तुम जो बोलते हो कि चोरी नहीं करना चाहिए, क्या तुम खुद चोरी नहीं करते? और हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह भी बोलते हैं ना कि तुमको ऐसे लगता होगा कि तुम व्यभिचार नहीं करते, पर अगर तुमने किसी को एक गलत नज़र से देख लिया तो भी तुमने भी व्यभिचार करा ही है। मतलब तुमने जो भी किया परमेश्वर के स्टैंडर्ड से तुम कम ही हो। हाँ हाँ। और वो ऐसे लास्ट में कहते हैं कि एक न्याय का दिन आने वाला है, जिसने भी परमेश्वर का वो स्टैंडर्ड है उसका उल्लंघन किया है और उस तक पहुंच नहीं पाया है, वो पापी ही ठहरेगा। वो कहते हैं कि परमेश्वर पक्षपाती नहीं है, जिसके पास व्यवस्था थी उसका न्याय व्यवस्था से किया जाएगा, और जिसके पास व्यवस्था नहीं थी पर विवेकमंद था, उसका न्याय जो है उसके विवेक के हिसाब से किया जाएगा, और दोनों पापी ही ठहराए जाएंगे।